इदम्बत संगो इस ग्रंथ में वीर चैतसिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। वीरस्य भाव वीरियं एतंग उत्साह लक्षणं उपत्त अम्भं नर सा सिद्धपम पच्चुपट्ठानकं संवेग पदट्ठान वा वीरियारंभ अनुभवंतु वा। इसका मतलब जो है, वीरस्य भाव वीरियं मतलब वीर के भाव को वीर्य कहते हैं। जो शूरवीर होता है उसकी जो अवस्था होती है, उसकी जो स्थिति होती है, उसको वीर्य कहते हैं, मतलब उसको उत्साह कहते हैं। वीर का कर्म वीर्य का होता है। उत्साह लक्षण, उत्साह इसका लक्षण है। वीर चित्त का अभिउत्साह यह भी एक लक्षण है। ये सब कुशल चित्तों से संप्रयुक्त होता है। वीर्यवान पुद्गल प्रत्येक कार्य करने में पराक्रमी होता है। पराक्रमी होने में वीर्य ही कारणीभूत होता है। वीर्यवान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दुखों को निर्भयतापूर्वक सहन करता है। मतलब जो भी कर्म करना है उस कर्म में सातत्य बनाए रखने के लिए जो उत्साह की आवश्यकता होती है उसको वीर्य कहते हैं। उपत्त रंभनस संप्रयुक्त धर्मों का उपस्तंभ मतलब उसको सहारा देना, उसको आधार देना, ये इसका कृत्य है। मतलब जो भी संप्रयुक्त धर्म उत्पन्न हो तो उसको आधार देना, ये वीर चैतसिक का कृत्य है। जैसे गिरते हुए जीर्ण गृह को किसी बल्ली के मतलब किसी लकड़ी के द्वारा सहारा देकर गिरने से रोका जा सकता है और बल्ली का सहारा पाकर वह गृह गिरता नहीं है, इसी वीर्य रूप स्तंभ का सहारा पाकर संप्रयुक्त धर्म कुशल धर्मों से च्युत नहीं होते। मतलब सहारा देना, आधार देना, ये इसका कृत्य है। जो भी मन में कुशल धर्म उत्पन्न होते उस कुशल धर्म की उत्पत्ति के बाद उसको सहारा देकर उसको खड़े करना इसका लक्षण है या इसका कर्म है। असंसिद्ध पच्चपट्टान यह कुशल कर्मों में अनुत्साह को संकोच से विपरीत स्वभाव वाला धर्म है। ऐसा योगी मतलब साधक के ज्ञान में अवभासित होता है। स्त्यानमिद्ध इसका मतलब शारीरिक और मानसिक आलस्य। प्रधान अकुशल चित्तोत्पत्त को कौसिद्ध कहते हैं। यह वीर्य कौसिद्ध का प्रतिपक्षी धर्म है। ये कुशल धर्मों का उत्पात एवं अकुशल धर्मों के निरोध में चित्त का उत्साह बढ़ाता है। मतलब कुशल धर्मों की उत्पत्ति उसको बढ़ाता है और अकुशल धर्मों को हमारे चित्त से निकालता है। अकुशल धर्मों के प्रति उत्साह तो कुत्सित होने के कारण कौसिद्ध ही है। मतलब वो अकुशल धर्मों के प्रति उत्साह को कुत्सित होने के कारण उसको कौसिद्ध कहते हैं। कौसिद्ध का अभिनव करने वाला धर्म होने के कारण यह समय पड़ने पर अनुत्साह दिखाने वाला धर्म नहीं है, ऐसा आकार योगी के ज्ञान में अवभासित होता है। मतलब इसकी मुख्य जो प्रतिपस्थान मतलब उसकी जो क्रिया जो होती है वो क्रिया उत्साह के साथ होती है और कुशल धर्म को बढ़ाती है और मन में स्त्यानमिद्ध मतलब मानसिक और शारीरिक आलस या कौसिद्ध होता है उसको निकालती है। संवेग पदट्ठान, संवेग इसका आसन्न कारण है। मतलब मन में बार बार संवेग की उत्पत्ति होना, जाति जरा व्याधि मरण अपाय गति आदि का विचार करने से उत्पन्न भयनामक उद्वेग या उत्तप प्रधान ज्ञान को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति में कुशल धर्मों में उत्साह निर्माण होता है उसको संवेग कहते हैं। जाति जरा व्याधि मरण अपाय गति आदि का विचार करने से भय नामक जो उद्वेग उत्पन्न होता है उसको भी संवेग कहते हैं। अंतः वीर्य होने के लिए इसका आसन्न कारण ही संवेग होता है। वीर्यारंभ वत्तु व वीर्यावस्तु इसका आसन्न कारण है। जिन कारणों से वीर्य उत्साह का आरंभ होता है उन कारणों से वीर्यारंभ भी उसको कहते हैं। मतलब वीर्य का मतलब होता है प्रयत्न, वीर्य का मतलब होता है सातत्य, और जितना सातत्य इस वीर्य चैतसिक में हम लगाते हैं
उतना सातत्य अगर हम अपने जीवन में किसी भी कुशल धर्म को उत्पत्ति करने में अगर लगाए तो मन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा उत्साह को, वीर्य को बढ़ाती है और कुशल धर्म से हमें कभी च्युत नहीं कहती है। इसलिए चैतसिक में ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैतसिक है और जिसका बुद्ध बार बार हमें अपने जीवन में उपयोग करने के लिए जो आर्याष्टांगिक मार्ग है उस आर्याष्टांगिक मार्ग में इस सम्यक प्रयत्न को बार बार बताते हैं। या किसी भी सद्दीस बोधिपक्षीय जो धम्म है उस धम्म में वीर्य का प्रारंभ, वीर्य की उत्पत्ति ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा बुद्ध ने कहा है।